वेलकम बैक टू मज़ेदार किचन। आज मज़ेदार किचन में हम ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी देखेंगे। रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मज़ेदार किचन को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी ज़रूर दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसमें, और साथ ही देखिए 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी खाता सोडा डालेंगे, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हम पानी से इसका एक स्मूथ सा घोल बनाएंगे। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से पूरा पानी बिल्कुल भी ना डालें, वरना जो ये इसमें गांठे हैं, गुठलियाँ हैं ना, वो निकलेगी नहीं। तो हमने इसमें कोई भी लंप नहीं रहने देना है, बिल्कुल स्मूथ सा डो नहीं बैटर बनाना है। देखिए, लेकिन ये भी थोड़ा थिक है, देखिए इस तरह से है, इतना थिक हमने बैटर नहीं रखना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमने देखिए इस कंसिस्टेंसी का रखना है, पोरिंग कंसिस्टेंसी कहते हैं इसे। इस बैटर को बनाने के लिए देखिए 1 कप में से इतना पानी बचा है, 1 कप पानी लिया था मैंने, उसमें से इतना पानी बच गया है। अब हम इस बैटर को साइड में रख देंगे आराम करने के लिए, रेस्ट देने के लिए। अब हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे, तो आलूओं को उबाल लें और ग्रेट कर लें यानी खुरप लें। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज डालेंगे, प्याज बहुत महंगी हो गई है आजकल। और ये देखिए इसमें हम डालेंगे अदरक, अदरक भी हमने चॉप करके ऐड करना है, और हरी मिर्च है वो भी बारीक कटी हुई। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और लेमन जूस डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आप टेस्ट कर लें, अगर आपको थोड़ा कुछ कम लगता है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा कम लगा, मैंने नमक को ऐड किया है। और ये बेसन देखिए जो हमने रेस्ट होने के लिए रखा था, पोरिंग कंसिस्टेंसी का है ये। अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, तो अजवाइन जो है डाइजेशन में हेल्प करती है, और बेसन जो है डाइजेस्टर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसे। तो ये 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून आपको अजवाइन ऐड कर दें। अजवाइन का जो फ्लेवर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए थोड़ी ही अजवाइन ऐड करें आप। और ये बेसन में अगर आपको नमक थोड़ा कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ब्रेड के स्लाइसेस मैंने यहाँ पर रखे हैं, और यहाँ पर कुछ मैंने सॉस डाले हैं। तो ये देखिए इस पर रेड चिली सॉस है, और दूसरे वाले पर देखिए टोमेटो सॉस है, टोमेटो केचप, और लास्ट वाले पे ग्रीन चिली सॉस है। आप आपके पसंद के मुताबिक ब्रेड्स पर जो भी सॉस आपको पसंद हो वो डालें और अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। अब हम इनके ऊपर देखिए आलू का जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो लगाएंगे, अच्छी तरह से लगाना है हमने। स्टफिंग लगाते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि किनारों तक बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना लेकर जाएं आप, वरना क्या होगा, जब हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे ऊपर और प्रेस करेंगे तो स्टफिंग निकल कर बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से लगाने के बाद आप देखिए इस तरह से कर लें ताकि किनारों पर जो भी स्टफिंग लगी है वो निकल आए। तो अच्छी तरह से स्टफिंग को लगाने के बाद हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस जो है रख कर इस तरह से प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से प्रेस कर लें, फिर भी देखिए थोड़ी सी स्टफिंग बाहर आ गई है, आप इसे निकाल लें। स्टफिंग लगाकर ब्रेड तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए किसी तेज़ छुरी का यूज़ करिए आप। और ये देखिए इस तरह से तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म होने के लिए रख दें, तेल जब गर्म हो जाएगा तो बेसन का जो घोल हमने बनाया है उसमें ब्रेड इस तरह से डिप करें और ऑयल में डाल दें। इस बात का ख्याल रखें कि तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना ब्रेड क्या होता है बहुत ज़्यादा ऑयल सोख लेता है, और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए वरना जो ब्रेड पकौड़े हैं वो जल जाएंगे। और इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो बेसन गैस के ऊपर गिर रहा है आप उसे भी साफ़ करते जाएं, वरना ये सूख गया तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो 100 ग्राम बेसन में देखिए तकरीबन 6 पीसेस बने हैं 3 ब्रेड स्लाइसेस के। जब ये हल्के ठंडे हो जाएंगे तब आप देखिए इस तरह से इन पर कट लगाएं, और कट लगाने के बाद हम इस पर खजूर और इमली की चटनी डालेंगे। इस तरह से अंदर तक डाल दें आप, और ऊपर आलू भुजिया
डालेंगे। आप चाहें तो सेब का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से सारे ब्रेड के पकोड़े हमने बनाकर तैयार कर लेना है। जो ब्रेड मैंने यहाँ पर यूज़ की है वो बड़े साइज़ की ब्रेड है। इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट कर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक मज़ेदार खाएं, खुश रहें एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फी अमान अल्लाह।